थाना मलपुरा क्षेत्र में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दबंगों की दबंगई से पीड़ित परिवार ऐसी शीतलहर में सड़क पर सोने को मजबूर है। थाना मलपुरा पुलिस पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। थाना मलपुरा पुलिस हमेशा से चर्चित रहते हुए विवादों से घिरी रहती है। आपको बताते चले कि अजय नामक युवक ने मलपुरा पुलिस पर आरोपों की झंडी लगा दी है। पीड़ित अजय ने बताया कि मलपुरा में कुछ दबंग व्यक्तियों ने पीड़ित को मारपीट कर परिवार सहित घर से निकाल दिया है। पीड़ित परिवार ऐसी शीतलहर में पीड़ित अपने छोटे छोटे नौनिहालों के साथ फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। दबंग पीड़ित परिवार को घर में घुसने के लिए 5,000 रुपए की मांग करते हैं और पैसा ना देने पर मारपीट करते हैं। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। अब मेरे घर में उनने मोबाइल अपने आप रखा और मेरे पर चोरी का नाम लगा रहा है। मोबाइल अपने आप उठा के लेके आया और अब मुझे घर में घुसने दे नहीं रहा है, मार रहा, पीट रहा, मेरा पूरा सामान वहीं पे। कौन मार रहा है आपको? बंटी। कौन है बंटी? बंटी मेरे पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ, मुन्ना लाल। अच्छा। और उसका सामू और एक उसका मोड़ा। आपने थाने में तहरीर? थाने में रिपोर्ट करी है 9/9/19 को करी, फिर कल भी करके आया हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यप्रणाली सुनवाई नहीं कर रही है। आज आप कहाँ आए थे, किससे शिकायत? यहाँ आया था डीएम साहब को, नहीं कप्तान साहब के पास आया था। यहाँ पे भी रिपोर्ट दी है। देखो साहब, मेरा मुलाकात हुई नहीं? हुई मुलाकात नहीं हो पाई। हुई, मेरा इतना देखना चाहता हूँ कि मेरा घर में मेरे बच्चों को जाने दिया जाए। अच्छा, अभी आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? सड़क पे पड़ा हूँ साहब, बच्चों को लेके सड़क पे ही सो रहे हो रात जी? आप कहाँ रह रहे हो? रोड पे। सड़क पे ही रह रहे हो? आपको क्या कहते हैं, घर में नहीं घुसने दे रहे? नहीं। क्यों? मार रहे हैं, बाहर रहे हैं। बाहर हैं? कौन मारता आपको? बंटी। बंटी? बंटी कौन है? पड़ोस का है। पड़ोस का है? पड़ोस का रहने वाला है। घर में नहीं घुसने दे रहा। पुलिस सुनवाई कर रही है आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिला पाते हैं या फिर पीड़ित न्याय की तलाश में ऐसे ही भटकता रहेगा।